गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम ले। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ले है, तो आज हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। तो पहले यार हमारा प्लान था कि हमने सुबह सुबह ना कारगिल की तरफ निकल जाए, क्योंकि हमें श्रीनगर जाना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था कि 12 घंटे का रास्ता है तकरीबन, तो ज़्यादा लेट ना हो जाए। फिर हमने सोचा कि आए हैं तो घूम के जाते हो, लेकिन मार्केट तो हमने रात को घूम ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ दो तीन चीज़ें थी घूमने के लिए, शांति स्तूपा मोनेस्ट्री और एक चीज़ और है, वो क्या है क्या नहीं पता। फिर हमने सोचा कि जाते हैं, जाने से पहले शांति स्तूपा को ज़रूर देख लें। और आप लोग भी बोलोगे कि वहाँ पे आए हो तो हमें कुछ दिखाया नहीं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मुँह फट गया क्या हुआ? पैसे एक्चुअली ना हमने खाली पॉकेट सहे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे एंट्री फीस है। तो हिमांशु थोड़ा सा घबरा रहा है, बता रहा है यार ये मत बताना कि ये तो शर्म की बात है। कोई बात नहीं, हमने एटीएम से पैसे नहीं निकलवाए। कई कई बार आपके साथ भी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि कई कई बार पॉकेट में पैसे नहीं होते और वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हुआ शांति स्तूपा में पैसों की दिक्कत आ गई, पैसों की वजह से मैं अंदर नहीं एंटर होने दी। शांति स्तूपा की क्या हिस्ट्री मुझे नहीं पता, आप यहाँ से पढ़ लेना और स्टडी कर लेना। पैसों की किल्लत की वजह से एक्चुअली पता क्या है कि हमारे पास ना बिल्कुल भी मतलब कि चेंज नहीं था, और एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाने थे और गाड़ी बहुत दूर है, और अगर एटीएम लेने के एटीएम के पास जाएंगे तो बहुत दूर है। गूगल यूज़ कर रहे हैं डिजिटल, और गूगल पे यार गूगल पे होगा नहीं होता यार, है 15 की नहीं होता यार। स्तूपा में पहुंच चुका हूं, तो कुछ इस तरह का है, खुला भला बहुत बढ़िया लग रहा है, और कुछ अलग चीज़ें मिलती है जो आप ट्रैवल करते हो देखने के लिए, वो भगवान भूत जी का मंदिर कह सकते हैं। कितना कितना है, लेकिन ये हाइट पे आके पता चल जाता है आई थिंक 10 किलोमीटर के अराउंड में ये फैला हुआ है, और होटल्स वगैरह है और टूरिस्ट प्लेस है, मार्केट है, तिब्बतीन मार्केट है, रिफ्यूजी मार्केट है, और ज्वेलरी वगैरह ये वगैरह कुछ मिलता है, कपड़े शॉल वगैरह जो भी है, ये चीज़ें हम हर जगह पे मिल जाती है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होता है, लेकिन जो भी है कुछ डिफरेंट है। कई पहाड़ी जगह हम जाते हैं ना तो आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही हुई है, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रीनरी मिलती है, देखिए यहाँ पे पूरा सूखा सूखा, और मेरे इधर आ रही है बारिश तेज वाली, हवा भी बहुत तेज़ हो रही है, और हाथ और मेरे लिप्स पूरी तरह से फट चुके हैं, काले हो चुके हैं, और बार बार लिप ग्लॉस लगा रहा हूँ, ठंडी हवा चल रही है। अभी तक जो मेरा फेस है वो बचा हुआ है, और ऊपर हवा चल रही है जिसकी वजह से आवाज़ पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, ये तो बाद में वीडियो एडिट करते ही पता चलेगा, नहीं तो पहले मैं आ नहीं रहा था एक्चुअली, मेरे पास ना चेंज नहीं था, तो बाद में अरेंज हुआ, गाड़ी में देखा कि पड़ा हुआ था, फिर मैं ऊपर आ गया, अभी आया नहीं। बट मेरे को अभी पूछा कि क्लॉक वाइज घूमना होता है इसमें, उस तरह से जा रहा हूँ मैं। खड़ा होना मुश्किल है, तो भी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया, और मेरे को ये था कि मेरे को दो तीन दिन अगर ले में रुकता ना तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करता। मैंने बहुत देखा है कि जो हाँ मोनेस्ट्री होती है यहाँ पे, ऐसे टेंपल होते हैं है ना, शांति स्तूपा वगैरह, उनमें जो पीस होता है ना बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है, चाइना वाली फीलिंग आती है। और एक काम ये किया हुआ है, ले की म्यूनसिपल कमेटी ने यहाँ पे ना पानी वाले ने वो लगा हुआ है, एक रुपया डालिए 500 ml पानी लीजिए, फिर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, असल में पानी की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे मैंने देखा गाड़ियों में टंकियाँ भर भर के पानी लेके पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं लोग, और यहाँ की लाइफ कुछ बड़े भी कह सकते हो हम लोगों की लाइफ से बेटर भी है, बट कुछ कुछ चीज़ों में जैसे पानी की दिक्कत और बर्फीली एरिया तो वहाँ पे थोड़ा क्या कहें, लेकिन अपना घर हर किसी को अच्छा लगता है, हमें अपने घर अच्छे लगते हैं, जो यहाँ के लोग हैं अपने घर अच्छे लगते हैं, बाकी स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। पानी का जुगाड़ कुछ ऐसे लगाते हैं, मैं पानी लेके आया गाड़ी से और इस पाइप के थ्रू उस टंकी में जा रहा है। तो ये शांति स्तूपा 1999 में जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु ने बनवाया था, क्योंकि 2500 वर्ष कंप्लीट हो गए थे बुद्धिज़्म को। ये वाला रास्ता भी लेकी मेन मार्केट को जाता है, ऐसे घूम के एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं हम सब, तो फिर से हम वही पॉइंट पे आ गए, यहाँ से आई एम ले लिखा था वो दूसरी साइड था, और इधर जा रहे हैं हम मोती मार्केट की तरफ। मोती मार्केट ही है ना, यस मोती मार्केट है, ये यहाँ की लोकल मार्केट है, कुछ इस तरह की है। यहाँ पे जगह जगह पे ना ऐसे मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं,
ले घूम लो आप ले। बहुत छोटा सा खूबसूरत सा शहर है और यहाँ के लोकल लोग। अजी चाचा जी चाचा जी हंस रहे हैं। और अभी एक पॉइंट निकलने से पहले हमें और देखना है, वो है लेक फोर्ट। यहाँ फोर्ट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जब आप नई जगह पे आते हो ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अगर एक पॉइंट ढूंढना होता है तो आप घूम घूम के वहीं पे आ जाते हो। वही हाल हमारा हो रहा है, हमने ले फोर्ट को ढूंढ रहे हैं तो बार बार इसी चौक पे आ रहे हैं हम। तो अभी हम ले फोर्ट में पहुंच चुके हैं और मैं बिल्कुल फोर्ट के अंदर हूँ और ये बिल्कुल सुनसान सा एरिया है और रूम वगैरह दिए हुए दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी। बिल्कुल लास्ट में हूँ, यहाँ से इधर भी दिया हुआ है, खुल जाता होगा शायद। यहाँ से पूरा ले दिखाई देता है बाहर का, लेकिन ऐसे ही ना सब जगह बनाया होगा थोड़ा थोड़ा, वहाँ से हर जगह पे ऐसे रोशनदान दिए हो बाहर की तरफ देखने को। और बहुत हाइट पे हूँ मैं अभी, लेकिन अंदर से पता नहीं चल रहा, वैसे डोर वगैरह दिए हुए हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है फोन को ताकि इसे ऐसे बरकरार रखें। तो ये दिया हुआ है इसके लेवल, लेवल 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हर लेवल के ना एक जगह पे ऐसा म्यूजियम बना के दिया पूरे लेक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए टॉप पे आ चुका हूँ मैं। यू आर लेवल 7 पे। हर लेवल पे ना एक अलग ही व्यू दिया हुआ है, मतलब हर लेवल पे एक बालकनी बनाई हुई है, वहाँ से आपको पहाड़ी वाला व्यू, इस तरफ का व्यू, कुछ ना कुछ मतलब चारों तरफ कवर किया हुआ है। लेको देख सकते हो, क्या बात है। मैं पहले सोच रहा था वहाँ शांति स्तूप में देखा था मैंने वहाँ से, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया तो भी यहाँ पे, तो वो मेरे सामने वहाँ पे बिल्कुल फिंगर के डायरेक्शन में एयरपोर्ट है। रनवे अभी टेक ऑफ कर रहा है, वो कर गया टेक ऑफ, वो कर गया कर गया कर गया कर गया कर गया कर गया। बस कुछ इस तरह का एयरपोर्ट, होप आप लोगों ने इसको अच्छे से इन्जॉय किया। मेरे को दो चीज़ें मिली आज एक्सप्लोर करने के लिए, एक तो शांति स्तूप वो बिल्कुल मेरे सामने इधर, और ये, और कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पे दियो, बहुत पुराना है, कुछ नया रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ पुराने वाला है, मतलब सारा मिक्सअप किया हुआ है कि आपको पुराने वाली फीलिंग भी आए नई वाली फीलिंग भी आए, बस सही है। वो शांति स्तूप सामने है वो, हम गए थे ना और इधर भी जाके आए थे, लेकिन ये क्या चीज़ें हमें नहीं पता चल पाई क्योंकि आगे का जो रोड है ना वो ब्लॉक था कि हम नहीं पहुँच पाए। तो लोगों के घर आपको बता देता हूँ किस तरह के, कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कुछ तो लोगों ने नए घर बना लिए जो वाइट कलर में, कुछ पुराने घर अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं, ये सारे फोर्ट के साथ ही लग रहे हैं। लगता है जब जिंदगी में आपको कभी कभी ऐसी पुरानी चीज़ें मिलती है देखने के लिए, हम अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। बस एक ही डर है, यहाँ पे जो स्टेयर है ना बहुत खतरनाक दी हुई है, गिरने का पूरा पूरा डर लगा रहता है। जो रूम है कुछ इस तरह के भी लोग वगैरह लगा के रखे हो पुराने टाइम में, जब राजा रानियाँ रहते होंगे तो ऐसे कुछ इस टाइप के रूम्स होते होंगे। और ये छत है, छत कुछ इस तरह की, ये बालू, ये तो आज भी हमारे घरों में है, मतलब कि हमारे जो पुराने घर हैं वैसे ही है, लेकिन ये तो काफ़ी सोलिड लग रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में ना हर जगह बालकनी या फिर ऐसे विंडो वगैरह दी हुई है जिससे आप बाहर की तरफ देख सको, लेकिन मैं इसे ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कील वगैरह लगाई हुई है, टूरिस्ट आते हैं कोई ऐसे नुकसान ना हो उसका। और यहाँ से डर ही लग रहा है, क्या है क्या नहीं, भाई मज़ा आ गया। आपको कैसे लगा बताना ज़रूर। और अभी भूल भुलैया मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं कौन से लेवल पे हो, कौन से रूम में हो, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा, जो भी है बढ़िया है। और ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये पुराने टाइम की तो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन पुराने टाइम वाली वो दी हुई है वो सामने, वो बिल्कुल पुरानी है, लेकिन अभी कुछ मॉडिफिकेशन कर रही है, लेकिन वही लुक वही है। और जो स्टेयर है ये पुराने वाली है। मंदिर था यहाँ का बुद्धिज्म और चंडी का रूप भी है, वो भी नवो दुर्गा कुछ इस नाम से था, सेम देवी देवता जैसे हमारे हिंदुज्म के वैसे इनके है। अभी फोर्ट से वापस जा रहे हैं, अच्छा लगा। ये जो था ये भी फोर्ट के साथ ही है जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा
इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो साथ के साथ जो है रेनोवेशन वो चल रही है। और इस फोर्ट में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो एक सेम आज भी यही लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे पत्थर और घर की मिट्टी।